लेट पे लेट लेट पे लेट फाइनल लेट वाला लेट ही हो गया आज। फाइन फटाफट हेलमेट पहनते हैं और चलते हैं, आपको एक जगहेशन दिखानी है वहाँ की साइड, फटाफट चलते हैं ना यार। ना कुछ लिया यार, बस जिंदगी की एक लाइन है, बस चलते भरो चलते भरो चलते भरो, यही है। और अपना फटाफट चल जाए करोल बाग, बुद्धा जयंती पार्क है वो, आपको दिखा रहा लोकेशन उसकी, बहुत बढ़िया लोकेशन। अभी गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाना है, बहुत सी चीजें हैं, पेट्रोल भी डलवाना है। अभी आई साइड पेट्रोल पंप पड़ेगा तो पेट्रोल डलवाने से थोड़ा सही है पेट्रोल। अभी हम सिलमपुर पे, शास्त्री पार्क पे, सॉरी शास्त्री पार्क में अभी निकला पड़ेगा, कश्मीरी गेट से रास्ता लेना करोल बाग का। फाइनली पहुंच चुके हैं बुद्धा जयंती पार्क, जो कि गेट नंबर 2 से इसकी एंट्री है। गेट नंबर 2 कुछ इस तरीके का है, जो कि आपको देख रहा हूँ दिखने को मिल रहा होगा। तो बुद्धा जयंती पार्क का एंट्री गेट यही है बुद्धा। तो अपनी गाड़ी आ गई है, अपनी गाड़ी भी यहाँ तक पहुँची है, करोल बाग में पड़ता है ये बुद्धा जयंती पार्क। और जो गेट नंबर 2 है इसका, ये ओपन है। तो चलते हैं अब अंदर और ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, लोगों से यूनिक वाला है। तो आज मैं आपको ले गया हूँ बुद्धा जयंती पार्क, जो कि आपको देखने को मिलेगा, और इसकी टिकट टाइमिंग लोकेशन सब कुछ मैं बताने वाला हूँ और इसके अंदर की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहना और इंजॉय दिस वीडियो। बात करिए इसकी पार्किंग की, पार्किंग तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि पार्किंग है इसकी, यहाँ भी लगा सकते हो। इधर आप टू व्हीलर इधर लगाओगे, यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा आपको कि मैं टू व्हीलर किधर लगा रहा हूँ। कोई छाया में लगा देते अपनी गाड़ी भी आराम से छाया में बैठ जाए। ये हम पहुंच गए बुद्धा जयंती पार्क और इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो ये है अपनी बुद्धा जयंती पार्क के अंदर की पार्किंग, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि वहाँ से हमने एंट्री करी है सामने से। और यहाँ पे 4-व्हीलर की है, जो कि आपने सामने दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने गाड़ी लगा दी अपनी, जो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि लोगों अपना ये है, तो ये कुछ तरह का लोगो, तो यार ये साइड में थोड़ा हट रहा है। तो कुछ अपना इस तरह की सफलता है जो कि हमारे को मिलती है रोज़, तो यही अपनी सफलता है। और चलते हैं आगे, आपको वीडियो आप पार्क के बारे में थोड़ी आपको जानकारी देते हैं, जो कि पार्क कुछ इस तरीके का है, दिखाते हैं आपको जैसे जैसे मिलेगा आपको लोकेशन, इसकी लोकेशन आपको बताने वाले हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को अंदर ही। तो इसका फर्स्ट एंट्री गेट देखने को मिलेगा सामने, तो एंटर करते हैं, पार्किंग करके वहाँ से आए थे, यहाँ से एंट्री कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखा है सामने जय हिंद, देख सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर आप हम कबूतरों को कुछ डाल सकते हो खाने के लिए, तो ये कुछ इस तरीके का पढ़ सकते हैं। गेट नंबर 2 है ये, पढ़ सकते हो, बाकी आपके सामने है जो भी है ना। तो अब चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको। और बेस्ट इस कपल पार्क, कपलों के लिए बढ़िया पार्क है ये, घूमने लायक पार्क है। तो चलते हैं आपको दिखाते हैं बुद्धा गार्डन की खासियत। तो कुछ इस तरीके का पार्क है, जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा, बहुत प्यारा पैलेस है, जो कि आपको देखने को मिल रहा है, बिल्कुल लाइव आपके सामने स्थित है, देख सकते हो आप। तो और आगे चलते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं आपको अंदर चल के। तो इस तरीके की, तो आप सबको एक बात बतानी थी कि क्या कहते हैं यार, अपनी वीडियो पे ना थोड़ा व्यूज़ कम आ रहे हैं। तो पता नहीं भगवान हमको निचोड़ रहा है, या भगवान से हमने कुछ गलत कर दी थी, हमारी वीडियो पे थोड़े व्यूज़ कम आ रहे हैं, या मैं कुछ अच्छा नहीं कर रहा वीडियो में, या मैंने कोई गलत बोला हो, समझ में नहीं आ रहा। बट देखते हैं, अपनी जो मेहनत का सवाल, अपनी मेहनत करेंगे आगे, देखते हैं। तो आगे आपको दिखाते हैं, चलते हैं आगे दिखाते हैं कुछ इस तरीके का। यहाँ पे टॉयलेट है, सामने को दिख जाएगा। तो ये टॉयलेट है, जो कि आपको दिखा देते हैं यहाँ का, सामने टॉयलेट भी दिखा देता है आपको कैसा है यहाँ का टॉयलेट। ये है यहाँ का जेंट्स टॉयलेट, जो कि आपको दिखा देते हैं। तो इस तरीके का टॉयलेट है, जो कि देखने को मिलेगा। तो चलते आगे और आपको दिखाते हैं यहाँ की खूबसूरतियाँ। रेस्टोरेंट, जो कि सामने रेस्टोरेंट है, यहाँ पर हम खा पी सकते हो आराम से, कपल आओ, फैमिली आओ, जो भी आओ, आप यहाँ पर आराम से खा पी सकते हो। ये है सामने रेस्टोरेंट, तो यहाँ से आप ऑर्डर करके मंगा के आपको यहाँ सामने पे खाने से चीज़ हो जाएगा। ये अपने ने फेंटा ले ली, थोड़ी एनर्जी से डाउन हो गई थी, गाड़ी वाड़ी चला के आए थे। तो अब चलते हैं, चल दिखाते हैं आपको आगे का घूमने का तरीका। देख सकते हो कितना प्यारा पॉइंट है सेल्फी खिंचवाने के लिए आप सब लोगों के लिए, जो कि आपके सामने लेके आए। और बगल में साइड में गार्डन ही गार्डन है, गार्डन ही, जो आप घूम सकते हो, बहुत प्यारी लोकेशन। बट यार एक बात बताऊँ आपको यार, ये मेरे से खुल नहीं रही, मेरे नाखून वाखून नहीं है ना, देख सकते हो आप, नाखून बिल्कुल नहीं है यार, ये खुल नहीं रही। इसके लिए मेरे को अपनी एक्स को बुलाना पड़ेगा, जी एफ को बुलाना पड़ेगा, वही खोलेगी, उसके बड़े बड़े नाखून है, उसके पिता से ही कटवा देते हैं उसके। ये देखो कैसे बैठा हुआ है, ये भग गया। तो चलते हैं आप, और यहाँ पे बच्चों के झूले हैं, जो कि आप झूल सकते हो, देखो सॉरी बच्चे झूल सकते, देखो बड़े, देखो सांड ओवन को सालो, ये देखो इतना बड़ा हो गया, साले वो शर्म नहीं है, झूला झूल रहा है, देख सकते हो आप इतना। तो अब चलते हैं आगे और घुमाते हैं आपको बुद्धा जी का टेंपल, जो है ना वो दिखाना है आपको, जो मेन चीज़ है यहाँ पे वो चीज़ दिखाएंगे आपको अंदर चल के फटाफट।
और आपको एक बात और बता दूं, देखो यहाँ पे आते हो ना कोई टिकट है ना कुछ, इसकी लोकेशन है। अरे भाई यार फिर से गिर गई, देखो यही हो रहा है मेरे संग, थोड़ी पी लेता हूँ। मिरिंडा है, फैंटा नहीं है, बट उसी कंपनी से रिलेटेड है। नाम है इसका बुद्ध जयंती पार्क, गेट नंबर 2 से इसकी एंट्री होती है। नियर बाय मेट्रो स्टेशन इसका करोल बाग पड़ेगा। करोल बाग से मात्र इसकी कम से कम, नहीं करोल बाग मतलब आप झंडे वालन उतरो ना, झंडे वालन से मतलब ऑटो या ई रिक्शा ले लो, मतलब 40 रुपये सवारी बैठाएंगे, तो वहाँ से कम से कम 1-2 किलोमीटर की दूरी पर होगा, जो कि आपको आना पड़ेगा यहाँ पे पार्क पे। बहुत बढ़िया पार्क है, आज के दिन तो बिल्कुल सन्नाटा ही सन्नाटा, जो कि देखो आपको इतना सब दिख रहा होगा, कोई भी कुछ भी नहीं है, सब सन्नाटा है। बताऊँ क्यों दिख रहा होगा? रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन की कोई अपनी एक्स को कोई जीएफ को कोई लेके नहीं आएगा, सब अपने घर पे व्यस्त होंगे। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ ये वाली, तो आपको आके यहाँ पे विजिट करना होगा। तो आगे चलते हैं और बुद्धा जी की टेम्पल दिखाता हूँ आपको, चलो चलते हैं। अल बुद्धि ट्री, तो ये कुछ तरीके का है, ये जो पेड़ देख रहे हो आप, ये श्रीलंका से ला के यहाँ पे लगाया गया है, जो कि कुछ इस तरीके के पेड़ आपको जाके अंदर दिखाते हैं। उसके बगल में देखो कितना प्यारी लोकेशन है यार, क्या बोलूँ आपको, देखो तोता उड़ता हो जा रहा है, देखो अभी के अंदर ये श्रीलंका से ला के लगाया गया, देख सकते हैं कुछ इस तरीके का पार है, इस तरीके के पेड़ है, जो कि उसकी शेपिंग देखो यार, यार क्या बताऊँ आपको, वो कि आप यहाँ पे आओगे तो आपको पता लगेगा, देख सकते हो शेप इसकी। उसके बगल में देख सकते हो कितनी प्यारी लोकेशन है यार, देखो कितनी प्यारी लोकेशन है। तो इसके बारे में डिटेल दीजिएगा पार, इस पेड़ के बारे में ये पढ़ सकते हो, बाल बुद्धि वर्त, ये पढ़ सकते हो आप। ये रही इसकी लोकेशन, ये इसकी डिटेल है सारी, इसकी डेट भी दे रखी है 25/10/1964 में यहाँ पे लाके गया लगाया हुआ था बूटी सिप्लिंग कोच, और नंबर डेट है इसकी 25/10, हाँ वही है डेट, सेम इसकी डेट है, यही यहाँ पे लगाया गया था इस तारीख में लाके। तो कुछ इस तरीके श्रीलंका से लाके गया लगाया हुआ था यहाँ पे पेड़, ये उसके बारे में लिखा भी पड़ता है, वो आप पढ़ सकते हो आराम से। और ज़्यादा जानकारी चाहिए उस पेड़ के बारे में जो यहाँ पे श्रीलंका से लाके लगाया गया था, तो आपको वही बता देते हैं, देखो ये पढ़ सकते हो, बट ये इंग्लिश में है, बाल बुद्धि ट्री सर्च से पेड़, ये पढ़ सकते हो आप। इधर इंग्लिश में दिया हुआ, हिंदी में दिया हुआ है, हाँ इधर हिंदी में भी दिया हुआ है, यही पढ़ सकते हो आप स्क्रीन शॉट लेके आराम से तसल्ली से। तो कुछ इस तरीके का था, और आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। दिल्ली में रहने वाले हो, जगह ढूंढ रहे हो, तो आ जाओ बुद्ध जयंती पार्क। ये कहाँ पे है तो आपको ये बताया जाएगा, ये है नियर बाय मेट्रो स्टेशन का पड़ेगा झंडे वालन, जो कि करोल बाग में स्थित है, जो कि आप आके यहाँ पे विजिट कर सकते हो, बहुत प्यारे लगे। यहाँ पे श्रीलंका से लाके एक पेड़ लगाया गया है, जो कि 25 तारीख नोवा महीना और 1964 में यहाँ पे लगा के गया हुआ था पेड़ पहले के टाइम पे, बट हम उस टाइम पे थे या नहीं थे जब लगा के गया था। तो आप यहाँ पे आके विजिट कर सकते हो, और आके विजिट कर बहुत प्यारी लोकेशन है, कपल के बहुत बेटर है, आप यहाँ पे कपल के संग फैमिली के संग आके विजिट कर सकते हो, मेरी मानोगे तो आके यहाँ पे विजिट करो, बहुत प्यारी लोकेशन है। नो पार्किंग चार्ज, नो टिकट चार्ज, नो कुछ चार्ज, कुछ चार्ज नहीं, कैंटीन भी है इसके अंदर, आके आप खा सकते हो, सब कुछ खा सकते हो। तो विजिट कर सकते हो आप इस पार्क में, प्लीज़ आके विजिट करिए, थैंक फॉर वॉचिंग। तो आओ जल्दी जल्दी, और पार्क के बारे में जानना है तो कुछ अच्छाई देखनी है तो आप बगल में इसकी देख सकते हो, कितनी फैसिलिटी है, जो कि इतनी इतनी हरियाली है, जो कि आप साफ़ सफाई देख सकते हो कितनी प्रॉपर साफ़ सफाई है, जो कि बहुत से पार्क में देखते होंगे तो साफ़ सफाई नहीं मिलती होगी, बट इस पार्क में ज़्यादा साफ़ सफाई है, जो कि आप मैं देखो तो इतने पार्कों में मैंने आपको घुमाया, लेकिन इतनी पार्क साफ़ सफाई कहीं नहीं दिखी होगी जितनी साफ़ सफाई यहाँ पे देखने मिली है। तो पेड़ पौधों की खूबसूरतियाँ देखोगे तो फूल देख सकते हो, कितने प्यारे प्यारे फूल है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल होंगे, देख सकते हो गेंदे का फूल है, कितना प्यारा फूल है, देख सकते हो कितना हरियाली है यार, क्या मज़ा आ गया देख के। तो आप भी आओ यार यहाँ पे कपल के संग या फैमिली के संग किसी के संग भी आओ, आप यहाँ पे आओ तो बहुत विजिट करो, तो देख सकते हो आप कितने प्यारे प्यारे फूल हैं जो कि आपको देखने में मिल रहे हैं आपके सामने बिल्कुल लाइव स्थित। तो और चलते हैं अंदर और आगे दिखाते हैं आपको इस खूबसूरती इस पार्क की, बुद्धा पार्क की, जो कि आपको मिल रही है मेरे से बिल्कुल लाइव। तो आओ आगे, अगर आप आते हो यहाँ पे तो डस्टबिन का ध्यान रखना, डस्टबिन में ही आपको कूड़ा डालना है, हर जगह पे हर बॉर्डर पे आपको डस्टबिन दिख जाएंगे यहाँ पे, तो आके डालना है। देख सकते हो आप यहाँ पे आराम से, फैमिली हो या कपल हो, आप यहाँ पे आके आराम से
टाइम स्पेंड कर सकते हो अपने किसी के पास, अपने किसी क्लोज के फ्रेंड के साथ या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी के साथ भी। तो आप देख सकते हो कितनी हरियाली है, कितना प्यारा है जो कि आप यहाँ पे स्थित है सामने आपके लाइफ। तो आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। अगर बात करिए बाल बुद्धि से आप सामने से आते हो तो इधर ही साइड से, तो आपको इधर आना बनता है। यह हर जगह बाल बुद्धि लिखा है, क्योंकि अगर ये बाहर आउट ऑफ इंडिया से पेड़ ला के लगा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। और जो कि बाहर से ये देख सकते हो आप बत्तखें हैं सामने, जो ये स्थित इतनी छोटी छोटी बत्तखें हैं जो कि आपको देखने को मिल रही, इतनी प्यारी प्यारी छोटी देख सकते हो आप। इनके लिए भी दाना पानी ला सकते हो खिलाने के लिए, कोई मना नहीं है। देख सकते हो कैसी कैसी तैयार रही। यहाँ से भी सामने से भी आते हो तो आपको इतनी प्यारी प्यारी लोकेशन दिख जाएगी जो कि कपल के लायक होती है जो बैठने के लिए, वो भी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी लोकेशन होगी। ओए ओए सांप है क्या? सांप तो नहीं है, तो कोई चोर जीत थी क्यों है? कुछ पता नहीं होता। देखो यहाँ पे आप बैठ सकते हो आके, जो कि आराम से बैठने के लिए, ठंडी ठंडी हवा बिल्कुल प्यारी प्यारी। देख सकते हो कितनी ठंडी ठंडी, तो आपको कैसे फील हो रहा हो? मेरे को फील हो रहा हो तो ठंडी ठंडी हवा में आप बैठ सकते हो यहाँ पे कपल के साथ। देख सकते हो प्यारी लोकेशन है बहुत यार, यहाँ पे आके आप विजिट कर सकते हो। इससे भी आगे आओगे तो आप देखो यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे पेड़ देखने को मिल जाएंगे। तो उससे भी आगे आओगे तो आपको यहाँ पे बुद्धा जी की मूर्ति देखने को मिल जाएगी, जो कि आप बुद्धा जी की मूर्ति के पास आपको लेके चलते हैं और दर्शन कराते हैं आपके बुद्धा जी के। तो चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको बुद्धा जी की मूर्ति के स्टैचू। तो ये लिखा हुआ है कुछ इसके बारे में, आप यही पढ़ सकते हो, ये पढ़ के पढ़ लो, आप स्क्रीन शॉट लेके पढ़ो कैसे भी पढ़ो। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे पानी तो चालू कर रखा है, बट देख सकते हो यहाँ पे भी पानी चालू कर रखा है यहाँ पे, बट ये पानी गंदा हो रहा है। गंदा इस कारण हो रहा है, ये पेड़ पत्ते टूटते हैं उसके कारण, पेड़ पत्ते पत्ते टूटते हैं उसके कारण काई जम जाती है इसमें, तो हरा हरा पानी पड़ जाता है। तो और चलते आगे दिखाते हैं। अली हम इधर गलत आ गए, हमारी उधर से जाना था बुद्धा जी के पास, जाना था ना हमारे को तो उधर की साइड से जाना था, तो यहाँ से जाएंगे आप। यार फीते भी खुल गए, कोई नहीं खुलने दो। ये पढ़ सकते हो बुद्धा जी के बारे में ही है। तो और आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं बुद्धा जी की मूर्ति यहाँ पे, जो यहाँ पे है बुद्धा जी की मूर्ति। ओ माय गॉड, पाइप कैसे निकाले? ओ तेरी बैंड की तो बहुत भारी है बे, बहुत भारी था पाइप तो। ये देखो पानी भी छूट गया। ये है बुद्धा जी की मूर्ति, चलो आगे दिखाते हैं आपको। तो फाइनली पहुँच गए हम बुद्धा जी की मूर्ति के पास, जो कि ये मूर्ति जो है प्योर सोने की है, जो कि मूर्ति है बट यहाँ पे ताला डाल रखा है। यहाँ पे अपनी मनोकामना मांग लो बुद्धा जी से, वो आपकी पूरी हो जाएगी। तो मैं मनोकामना मान लेता हूँ, मैं भी थोड़ी देर के लिए वीडियो को ऑफ करता हूँ। लेकिन आपको ये देखने को मिल जाएगा, जो कि हम जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ वैसे आप भी चल सकते हो। यहाँ पे तो एडवेंचर एक्टिविटी भी दे रखी है बिल्कुल, जल ये पढ़ सकते हो। और आगे आते रहते हो, आगे दिखता है आपको एक और लोकेशन, तो लेके चलता हूँ। आप देख रहे होंगे कहाँ कहाँ घुसा रहा हूँ आपको जी। लोकेशन देखोगे उस तेरी बहन की टाँट, लोकेशन देखोगे आ जाओ मेरे साथ। ऐसी लोकेशन पे ले आऊँ कोई पता ही नहीं कर पाएगा कहाँ से। लो जी निकलो इसके नीचे से, नीचे से निकल जाओगे इसके, मैं भी नहीं निकल पाऊँगा, वापसी हो जाओ चलो। इतना डर लग रहा है यार यहाँ पे, मेरे को लग रहा है जगह कोई निकल के नहीं आ जाए। कीड़ा पीड़ा एक पता नहीं क्या चीज़ देखी मैंने, इतनी लंबी सी थी वो मैं देख के डर गया, दिखाना भूल गया मैं आपको। मैं दिखाता आगे, पेड़ पौधों ने जगह घेर रखी है इतनी, तो यार गुफा में आके बैठते देख रहे हैं। यहाँ पे पानी की बोतलें हैं सब सब जोड़ रखी है। ये टॉयलेट था जो मैं दिखाने वाला था आपको, बट ये टॉयलेट बंद है यहाँ का। तो आगे चलते हैं कुछ और दिखाते हैं। पहले कुछ इस तरीके की लोकेशन जो मैं आपको दिखाई है अभी तक आपको सामने, देख सकते हो बुद्धा जयंती पार्क की लोकेशन। तो ये देख सकते हो आपको सामने एक चीज़ दिख रही होगी, ये बट डस्टबिन में, कोई कलाकार नहीं है। देख तो कितनी प्यारी लोकेशन है, हर जगह पे पॉइंट ही पॉइंट दिखेंगे आपको बैठने के। यहाँ ही पॉइंट था बैठने का, वहाँ अगर वहाँ दिखाया जाए बहन चौथ ने कुत्ते ने भोग दिया वहाँ, तो मेरे को डर लग गया। ये देख सकते हो यार ये चीज़ दिखानी है आपको, ये देखो यहाँ पर ये चीज़ दिखा रहे हो, देख रहे हो एक ट्यूबवेल टाइप में लग रहा है, क्योंकि बंदे नहाते हैं इसके अंदर, बट ये नहाने का नहीं है। ये देख सकते हो टूटी में पानी आ रहा है, नहीं आ रहा नहीं यार, पानी तो आ रहा है भाई, हाय हाय पानी तो आ रहा है, समझदार वाली बात है भाई, पानी है इसमें, देख सकते हो कुछ तरीके का ये। तो और आगे आओगे तो आपको और दिख जाएगा, ये पॉइंट ही पॉइंट दिखेंगे आपको जगह पे, हर जगह टॉयलेट टॉयलेट है यहाँ पे, देखे मैंने तो एक और ये पॉइंट आ गया। आप यहाँ पे आराम से सेल्फी वेल्फी खिंचवा सकते हो, जो कि ऊपर से घास वास पूरी पड़ी है, पेड़ पौधे ऊपर से आ रहे, देख सकते हो कितनी प्यारी लोकेशन है। यहाँ भी आप आके विजिट कर सकते हो, देख सकते हो कितनी प्यारी लोकेशन है।
हरियाली हरियाली है, कोयलों की आवाज आ रही है इधर उधर से, तो इस तरीके की पार्क है जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा। पीने का पानी, चलो पानी पी लेते हैं यार, प्यास लग रही है तो कुछ पीने का पानी तो दिख गया कम से कम खासियत, तो पीने का पानी पी लेते हैं चलो चल के। तो फाइनली पूरा पार्क मैंने एक्सप्लोर करा दिया आपको, और पूरी वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू। ब्लॉग में क्या चीज़ अच्छी लगी वो मेरे को बताओ, आप आपसे यही गुजारिश है। तो मिलते हैं फिर से जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग के साथ और नेक्स्ट जर्नी के साथ, बट नेक्स्ट जर्नी मेरे को अच्छी बताऊँ कहाँ की लगती है, आउट ऑफ दिल्ली की, तो वो चीज़ मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लोर करूँगा। बट इसलिए थोड़ी रुका पड़ा हूँ, मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब है थोड़ी थोड़ी, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक होगी तो मैं आपको दिल्ली से बाहर के ब्लॉग बना के दिखाऊंगा जो कि आप देखना है आपको ये। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, वेटिंग फॉर न्यू ब्लॉग, थैंक्स फॉर वॉच, बाय।